कोटा के बारह कांग्रेस नगर अध्यक्ष और पूर्व उप सभापति गौरव शर्मा की हत्या के विरोध में कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हत्या के मुख्य आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। कांग्रेस नेता दीपक शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंची और जमकर नारेबाजी की। उपयोग होता है तो क्या परिणाम आता है। हम पुनः सरकार से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन विनती करते हैं कि हमारी मांगों को परिवार की पूरे जीवन भर की जो उन्होंने व्यक्ति खोया है, जो जीवन भर की जो कमाई खोई है, उसकी क्षतिपूर्ति तो आप और हम कोई नहीं कर सकते, लेकिन उनका ध्यान रखने के लिए उनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी ही पड़ेगी। क्या लगता है पूरे इसमें और भी आरोपी है? हाँ, हमें ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है। जिस हिसाब से गोली मार के हत्या कर गई, उस षड्यंत्र के पीछे कोई बड़ी हस्तियां हैं, उनको उजागर करने के लिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आपका नाम? मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष विप फाउंडेशन कोटा।